हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं थोड़ी थोड़ी सी लो लग रही होंगी। एक्चुअली शरारत चल रही है ना, तो थोड़ा सा काम का बर्डन होता है और घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और पार्लर में भी वर्क था, तो इसलिए थोड़ी सी लो हो रही हूँ। बट हमारे यहाँ श्राद्धों में ना एक महालक्ष्मी का व्रत होता है 8वें श्राद्ध, तो मैं अभी उसी के लिए तैयारी कर रही थी। स्किन थोड़ी मेरी लूज लूज सी लग रही थी, तो मैंने सोचा शायद मैं ब्लीच ट्राई कर लूँ, क्योंकि और कुछ तो मैं लेती नहीं हूँ ब्लीच के अलावा। बाकी तो मैं जो भी लेती हूँ होम रेमेडी लेती हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप स्किन जब आपकी टाइनिंग ज़्यादा लगे, टाइनिंग रिमूव करती है ब्लीच, तो मैं यहाँ डायमंड की ब्लीच लेती हूँ। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, डायमंड ब्लीच ही लेती हूँ। तो चलो आज हम डायमंड ब्लीच करने सीखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, घर पर ही पार्लर जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना फेस जो है क्लीन कर लेना है। यहाँ मेरे पास रोज वाटर है, मैं रोज वाटर कॉटन पे लेके स्प्रे करके, या आप अपना फेस स्प्रे करके भी यूज कर सकते हो, और या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ओके डियर, तो आप मुझे देखो मैं कैसे यूज कर रही हूँ। हमें कोई भी चीज यूज करनी होती है ना स्किन पे फ्रेंड्स, तो उसको हमें पहले अपना अच्छे से रिमूव कर लेना चाहिए फेस को, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मैं कर रही हूँ आप इसके बाद आपको जो भी करना है फेस पे यूज कर सकते हो, और अपने हेयर को अच्छे से टिक कर लेना है आपको, ठीक है। और ब्लीच जो है हमारे जो फेशियल हेयर होते हैं फेस पे, इसको गोल्डन करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लूंगी ब्लीच अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, मेरे लिए इतनी इनफ है तो मैं इतनी ही लूंगी, ठीक है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा ले सकते हो। ये मैं बड़ा पैक लेती हूँ, बट आप छोटा लोगे, अगर आप लोगे मार्केट से तो आपको थोड़ा कम रेंज में मिल जाएगा, बट मेरे को पार्लर के लिए बड़ा ही रखना पड़ता है, तो मैं ये 250-250 ग्राम के या आधा आधा किलो के डब्बे लेती हूँ, ओके। और उसके बाद ब्लीच के साथ आपको मिलता है एक एक्टिवेटर, एक्टिवेटर होता है जो हमें ब्लीच में मिक्स करना होता है। जोन सी आपकी ब्लीच होगी उतना ही वो ही आपको एक्टिवेटर मिलेगा साथ ही, ठीक है। तो आपने आधा चम्मच अगर ब्लीच लिया है तो आधे से कम आपको एक्टिवेटर डालना है अपनी ब्लीच में, ठीक है। तो मैंने जो ली थी उससे क्वांटिटी में कम रखना है एक्टिवेटर, एक्टिवेटर हमेशा कम रखना है और ब्लीच ज्यादा रखनी है। अब हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। देखिए मैंने सारी इसको मिक्स कर ली है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा फिंगर की हेल्प से करूंगी, स्पून से नहीं, क्योंकि ये जितना अच्छे से मिक्स हो जाएगा उतना इसका जो एक्टिवेटर है अंदर मर्ज हो जाएगा ब्लीच के अंदर, तो स्किन पे काम ज्यादा जल्दी करेगा और अच्छे से करेगा, वरना आपका कहीं कहीं तो ब्लीच हो जाएगी और कहीं कहीं नहीं हो पाएगी। ब्लीच जो है, क्रीम जो ब्लीच की होती है वो एक्टिवेटर के साथ ही वर्क करती है, ठीक है। तो ये देखिए मैं कैसे यूज कर रही हूँ इसको, इसको आईज से बचा के रखनी है थोड़ा, और मतलब अपने सारे हेयर बचाने हैं, आईब्रोज के हेयर बचाने हैं, अपनी आई लैशेज बचानी है, और यहाँ के हेयर थोड़े बचाने हैं जो मैंने अंदर कर लिए हैं सारे। ये देखिए तबीयत ठीक नहीं थी डियर, तो इसलिए मैंने थोड़े दिन वीडियोस नहीं लेकर आई, बट अभी मेरा फास्ट था तो मुझे करनी जरूरी थी, फास्ट की प्रिपरेशन करनी थी तैयारी के लिए, तो मैंने सोचा ब्लीच ही कर लेती हूँ थोड़ी सी फेस पे, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको ये सारे अपने
फेस पर लगानी है। ये देखिए मैंने सारी अपने फेस पे अप्लाई कर ली है। अब इसको हमें 10 मिनट्स देने पड़ेंगे अपने फेस को। 10 मिनट बाद फिर आप इसको रिमूव कर सकते हो। ओके, तो हम 10 मिनट्स वेट करते हैं इसका। 1 2 3 4 10 मिनट्स। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स मुझे 10 मिनट हो चुके हैं ये ब्लीच रखे हुए, और इसको लगा के मैं बोल नहीं सकती आप लोगों के साथ। तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स देखिए मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। और नॉर्मल वाटर के साथ वॉश करना होता है, कोई ठंडा गर्म पानी ऐसा कुछ नहीं लेना आपको अलग से। जो नॉर्मल वाटर है, जैसे समर सीजन चल रहा है, तो आपको वही वाटर से ही वॉश करना है। ओके, और कुछ नहीं आपको करना। तो डियर ये जो ब्लीच है ना, ये 20 डेज में एक बार करनी है ओनली, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए। और फिर इसके बाद आप एलोवेरा जेल से मसाज कर लेना अपनी स्किन की। और ये जब आप ब्लीच करोगे ना, तो आपकी स्किन पे ना इचिंग होगी थोड़ी सी, तो जो इचिंग कर सकते हैं बर्दाश्त, तो वो ही प्लीज ब्लीच करना। ओके, और सेंसिटिव स्किन वाले तो बिल्कुल मत करना, नॉर्मल स्किन वाले ही करना। तो ब्लीच करनी बहुत आसान है, और ब्लीच करने के लिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आईब्रोज के हेयर, साइड से हेयर, आई लैशेज के हेयर, ये सब आपको बचा के रखने हैं, और कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्लीच इतनी इजी हो सकती है घर पर आसानी से। जब आपको कहीं जाना हो तो 20 मिनट्स अपने 10-15 मिनट्स दो और अपनी स्किन पे टाइनिंग रिमूव कर लो। ओके, तो बस आज के लिए इतना काफी है। तो मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आती रहूंगी इस तरह की, होम रेमेडी और कुछ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फर्स्ट टाइम आए हो, अगर सेकंड टाइम आए देख रहे हो आप भी मेरे को, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। ना आप शेयर कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, ना आजकल आप व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ओके, लव यू एंड टेक केयर। सो बाय बाय।